नए तारक मेहता, मेरे दर्शक उनको स्वीकार करेंगे, बहुत प्यार देंगे और ईश्वर के आशीर्वाद हमारे साथ है। और मैं जैसे कहते आया हूँ कि आपके हंसी और खुशी में कभी कमी नहीं आएगी, तो सब हंसते रहिए, हंसाते रहेंगे हम, मजे करते रहिए, खुश रहिए, खुश रहे, मजे करे और देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा। क्या बात, इन सब ने मुझे पहले ही दिन से इतना ज्यादा प्यार दिया और मुझे ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं इनको पहली बार मिल रहा हूँ। इट वॉज सच अ ग्रेट फीलिंग, मुझे ऐसा लगा कि ये एक्चुअली में मेरा परिवार है और ये सारा क्रेडिट इनके ऊपर जाता है। मैं तो नया नया हूं, अब ये मुझे कितना कंफर्टेबल और कितना अच्छा महसूस कराते हैं ये तो मुझे पहले दिन ही समझ में आ गया। तो वैसे इन्होंने मुझे कुछ कुछ लोगों ने खाने पीने के ऑर्डर दे दिए हैं क्योंकि मेरे घर के आसपास कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, तो सबने लिखा दिया कि ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये लेकर आना, बस टाइम टू टाइम मेंटेन, टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे हैं ना, जैसे वो होता है कि थोड़ी रैगिंग होती है बट सोसाइटी का मेंटेनेंस की बात है। ये है हमारा नया मेटोस। जितने अच्छे एक्टर है उतने ही अच्छे इंसान भी है। हमने अभी कुछ दिनों साथ काम किया है तो पता चलेगा, बस ऐसे ही साथ निभाएंगे साल दर साल, बाबू जी का आशीर्वाद। हाँ हाँ वो तो है, वो तो है। और अभी जैसे आसिफ भाई ने आपसे कहा कि नए नए किरदार आने वाले हैं, तो उसमें सबसे अहम जो है वो मिसेस पोपट राव है। हाँ। ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और अब तो वही हमारा पुरुष मंडल जो है कुछ दिनों से थोड़ा सा अब्दुल शॉप के, खास करके हम जब मिलते थे रोज शाम को अब्दुल की दुकान पर, तो थोड़ा अकेला महसूस करते थे। तो अब हमारे मेहता साहब अपने काम से लौट आए, वापिस आ गए हैं, तो बड़े मजे करेंगे और बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी तरह से आप सबसे ये वादा है कि जैसे आपको हंसाते रहे थे उसी तरह हंसाते रहेंगे, और जैसे आसिफ भाई ने और सचिन जी ने कहा, देखते रहिए हमारा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू।